हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं बाहर। हाँ, तो हमने सोचा कि चलो एक छोटा सा वीडियो बना लें आप लोगों के लिए। अभी कहाँ जाएंगे कुछ क्लियर नहीं है। हाँ? देखते हैं, जहाँ मन करेगा फिर चले जाएंगे, घूम के आ जाएंगे। अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं कहाँ जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे फिर उस वहाँ पर वीडियो बनाएंगे। ओके, बाय बाय। हम अभी कहीं जा रहे थे, रास्ते में बारिश हो रहा है तो हल्का हल्का भीग भी है। खड़े हुए हैं, खड़े हैं, इधर ही खड़े हैं तीनों। एक चलो, एक तरफ से बारिश का भी एंजॉयमेंट हो रहा है, घूमने को घूमने हो जाएगा। बाकी देखते हैं, जल्दी थोड़ा सा बारिश कम हो जाए तो फिर निकल जाएंगे। अभी देखो बारिश कितना हो रहा है, पीछे रखा नहीं, हाय कर दो। आज तो मौसम एकदम अजीब सा हो रहा है, बारिश भी हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रहा था, हमने कि एक जगह पर खड़े थे, अभी देखो कितना धूप है। समंदर थोड़ा सा अशांत है क्योंकि अभी साइक्लोन है, पारंपरिक का तो 9 तारीख हो गया है। आप देख सकते हैं जो समुद्र के किनारे रास्ता है ना, वहाँ पे नारियल के बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सुंदर लग रहा है और अच्छा लगता है। जैसे ड्राइव करके जाओ ना, बहुत सुंदर लग रहा है। हम तीनों बहुत एंजॉय कर रहे थे जब हम जा रहे थे घूमने, ताकि पहुँचने के लिए तो अभी होंगे। अभी आप लोग एंजॉय करिए वीडियो, देखिए कितना पीछे आप बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, कितने सारे पेड़ हैं वहाँ पर। यहाँ पर तो नारियल और सुपर के पेड़ तो बहुत है, आपने मैंने पहले वीडियो भी देखे होंगे कि हर जगह पे जहाँ पे रास्ते में जाएंगे तो वहाँ पे नारियल का और सुपर के पेड़ मिलेंगे मिलेंगे। अभी देखिए समंदर जो रोड के बगल में जा रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। क्योंकि अभी समंदर थोड़ा सा डिस्टर्ब है साइक्लोन के आने की वजह से, इसीलिए जो ले रहे हैं बहुत तेज जा रहे हैं। अब दूर देख पा रहे होंगे थोड़ा सा पानी पीछे है, लेकिन दिख रहा है क्लियरली कितने तेज़ लहर आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने मन कर रखा है कि कोई मछुआरे वगैरह अंदर ना जाने के लिए। लोग भी हैं जो समंदर की मजा ले रहे हैं,
देख सकते हैं हम थोड़ा 2 मिनट के लिए रुके थे यहाँ पे, लेकिन आगे की हमें जाना था, एक छोटा सा बीच है वहाँ पे, तो इसीलिए हम फिर निकल गए। अभी चलेंगे बीच की तरफ, फिर आगे दिखाता हूँ। फाइनली हम एक रोड साइड में समुंदर के किनारे रुके हैं। हम लेट हो जाएंगे आते आते, इस बस से क्या है कि हम नहीं जा रहे, बाकी इधर ही से थोड़ी देर बैठेंगे फिर चलेंगे। ये देखो क्या कर रहे हैं, हाय। जिसु भी ठीक टाइम पे, जब भी घूमने आना होता है ना, ठीक जहाँ पे पहुँचते हैं घूमने के लिए जिसु सो जाती है। अभी हम आ गए 10-15 किलोमीटर दूर समुंदर के किनारे। आज मौसम एकदम झकास हो रखा है, मतलब समुंदर में हलचल ज़्यादा है, क्योंकि 2 दिन बाद साइक्लोन आने वाला है अंडमान में। तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे तो पानी कम है, लेकिन जहाँ पे लहरें चल रहे हैं बहुत स्पीड चल रही है, क्योंकि आपको मौसम तो पता होगा, न्यूज़ में भी पता रखा है, 12 तारीख तक जो है समुद्र अंदर ना जाने के लिए है। तो जब हम घूमने आते हैं जिसु हर बार सो जाती है, इस बार भी सो गई, क्या करें। हमेशा आपने भी हर वीडियो मेरे देखे होंगे, मैक्सिमम टाइम सो जाती है। चलते हैं उसको कंधे में ले हुए घूमते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। अंदर आ गए हैं पानी समुंदर के, देखो पानी लहर कितना बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं बहुत पीछे से। यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन जो लहर आ रहे हैं उसके साथ साथ पानी भी असर आ रहा है।
जा रहे हैं, ये देखो ये शंख जो है चुन रहा है यहाँ पे नीचे से, क्योंकि बहुत सारे जब पानी यहाँ पे आ जाता है तो उसके साथ साथ सारे समुद्री जीव आ जाते हैं, जैसे शंख हो गए और बाकी जैसे छोटे छोटे टाइप के, तो वही चुन रहा है अभी लेना। हम अभी जो बीच के जो आखिर छोर है वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा पथरीला है और जो ले रहे हैं वहाँ के वहीं पे टकरा रहे हैं और पानी जो है उछल के बाहर आ रहा है, तो अच्छा लग रहा था देखने के लिए, दूर से दिख रहे थे तो इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, यहाँ पर देख के आना पड़ रहा है क्योंकि फिसलन भरा भी है, क्योंकि पानी आता रहता है। अभी हम जा रहे हैं उधरी, देखते हैं कितने कैसे है वहाँ पे। देखो लीना तो पीछे रह गई है, अभी मैं एक हाथ में दीसू को पकड़ के जा रहा हूँ। चलो ये देखिए पानी एकदम नज़दीक तक आ रहा है। पत्थर के ऊपर समुद्री केकड़ा छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत सारे हैं, और यहाँ पे लहर देखो कितना आ रहा है। बाबा जी बेटर।